नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं रेखा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लालू यादव की। रांची के रिम्स में इलाजरत लालू यादव से बिहार के तीन दिग्गज नेताओं जयप्रकाश नारायण यादव, उदय नारायण चौधरी और कमर आलम ने लालू यादव से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा देश लालू यादव के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है। वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि राजनीति को लेकर क्या कुछ बात हुई तो तीनों ही नेताओं ने इस बात को से किनारा करते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म राजनीतिक बातचीत का नहीं था। माहौल झारखंड का चुनावी होता जा रहा है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे जी। इसलिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी कई असाध्य रोगों से परेशान हैं और उनका इलाज चल रहा है, उनका सेहत कैसा है इसकी जानकारी लेने के लिए आए हैं जी। लौट के आएंगे तो उनके सेहत के विषय में आपको बताएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विधानसभा सत्र की। कहते हैं अंत भला तो सब भला। झारखंड के चौथे विधानसभा के 16वें एवं आखिरी सत्र का समापन 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक पल के साथ सम्पन्न हो गया। पिछले 19 वर्षों के इतिहास को अपनी यादों में समेटे लेनिन हॉल ने सभी विधायकों को अलविदा कहा। पांचवें विधानसभा के गठन के बाद चुने गए नए विधानसभा अब नौ निर्मित विधानसभा में मिलेंगे। लेनिन हॉल में संपन्न आखिरी सत्र पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन विपक्ष के हंगामे से गर्म रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कुणाल सारंगी ने झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठाया है। कुणाल सारंगी ने जमशेदपुर के घाटशिला अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अशरफ बदर पर महिला मरीज को गलत दवा लिखने का गंभीर आरोप लगाया। कुणाल सारंगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक महिला जब डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंची तब डॉक्टर ने उसे गलत दवा जानबूझकर दे दी। कुणाल सारंगी ने ऐसे डॉक्टर को अविलंब निलंबित कर उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल की यह घटना है और ये जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है इनके बारे में कई शिकायतें पहले भी आई हैं। कभी पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते हैं, कभी मरीज को वैसे ही छोड़ देते हैं। इस पर वहाँ के सिविल सर्जन ने विभागीय पत्राचार भी किया है कई बार, अब तक इस डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज इनका लेटेस्ट कारनामा सामने आया है। उसी अस्पताल में काम करने वाली एक महिला ने जब उनसे पेट दर्द की शिकायत की तो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन पर उसे दवाई प्रेस्क्राइब की। जब वो महिला उसे मेडिसिन शॉप में लेकर जाती है तो दवा दुकानदार कहता है कि आपको कॉन्डम देने का प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है। कौन सा तमाशा चल रहा है? ऐसे निकम्मे चिकित्सकों को किस आधार पर अभी भी अस्पताल में बनाकर रखा गया है? मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर कहा है कि इस डॉक्टर को अविलंब निलंबित करके इस पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए और सदन में भी, सदन के पटल पर भी अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में मैंने इस विषय को लाया है और आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर से आग्रह करना चाहूंगा, अविलंब इस तरह के निकम्मे चिकित्सकों को वहां से हटाकर उन पर विभागीय प्रोसीडिंग शुरू की जाए। वहीं विभागीय मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने इस मामले की शीघ्र संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिया है। जांच में दोषी पाए जाने पर पीड़ित महिला को गलत दवा लिखने वाले डॉक्टर अशरफ बदर पर कार्रवाई की जाएगी। कुणाल सारंगी जो कहे हैं उस पर हमने संज्ञान लिया है, उसका जांच करा दी। किसी के कहने से हम नहीं मानेंगे, अगर जांच हो जाता है सही पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। यह कोई पहला मामला नहीं है जो स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान लगाते हो। ऐसे कई गंभीर मामले स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लगते रहे हैं। इन तमाम मामलों के उजागर होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और उसमें कार्यरत डॉक्टर सचेत क्यों नहीं होते, यह एक बड़ा सवाल है। सनमार्ग लाइव के लिए सहयोगी सुभाष महापात्रा के साथ संवाददाता चंदन वर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजधानी रांची के रिम्स की। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने एक बार फिर नया कीर्तिमान रचा है। रांची के रहने वाले 6 साल के आर्यन के दिल में 6 मिलीमीटर के छेद को रिम्स में कार्यरत डॉक्टर प्रशांत ने बिना चीर लगाए ही बंद कर दिया। बता दें कि यह ऑपरेशन केंद्र सरकार की एक योजना के तहत निःशुल्क किया गया है, जिसे मरीज को बिल्कुल भी खर्च नहीं उठाना पड़ा। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद मरीज के परिजनों में काफ़ी उत्साह देखा गया और इसके साथ ही परिजनों ने रिम्स प्रबंधन और डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। एक बच्चा है, आर्यन कुमार नाम है, उसकी उम्र लगभग 6 साल है। वो मेरे पास आया था रिम्स के कार्डियोलॉजी ओपीडी में। उनको सांस फूलने की परेशानी थी, वो जब चलता खेलता कूदता था तो सांस फूलती थी। मैंने इन्वेस्टिगेशंस किए, एकोकार्डियोग्राफी में पता चला कि दिल में एक सुराग है।
उस सुराख को पीडीए कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। उसका साइज लगभग 6 मिलीमीटर था। फिर मैंने प्लान किया, चूँकि ये सुराख बड़ी थी और बच्चे की उम्र 6 साल की थी, तो मुझे एनेस्थेटिस्ट की हेल्प की भी ज़रूरत थी। फिर मैंने उसका डिवाइस क्लोजर प्लान किया, जो कि बिना चीरा लगाए ऑपरेशन होता है, और उस विधि से हम लोग जो छेद रहता है दिल में उसे बंद करते हैं। सरकार की योजना है जिसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बोलते हैं। उस योजना के अंतर्गत 1 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों का निःशुल्क इलाज होता है। इस बच्चे का जो ऑपरेशन है वो भी उसी योजना के अंतर्गत हुआ, और इस पूरे प्रक्रिया में परिवार वालों का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। ये सारी प्रक्रिया सरकार के द्वारा मुफ्त में ही की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बरही की। बरही में एक अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला। हम सब जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में सभी मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है, और इसी के तहत हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के एक शिव मंदिर में भगवान नंदी के दूध पिलाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में एक उत्साह गजब का देखने को मिला, और सभी ने जाकर के भगवान नंदी को दूध पिलाया, और फिर क्या था, देखते ही देखते यह पूरी घटना आग की तरह पूरे जिले में फैल गई और लोगों का सैलाब मंदिर में उमड़ पड़ा भगवान नंदी को दूध पिलाने को लेकर के। कि सुबह से होटल में बैठे हुए थे, लोग आ रहा है जा रहा है, तो विश्वास हमको हो नहीं रहा था। अभी अपने से आए, जब हम देखे कि थोड़ा सा दूध पिला के देखे तो पी जा रहे हैं, दूध चम्मच पर चम्मच दे रहे हैं, दो चम्मच तो सामने। क्या लग रहा है आपको? लग रहा कि सावन में तो सच ही बाबा है जी। तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।